क्या करूं कि मेरी दुआएं कबूल हों। मैं जितना मुखलिस होता चला जाऊंगा इतना ही मेरी दुआएं कबूल होती चली जाएंगी। अपने मन को साफ करने की जरूरत है, अपने अंदर के आदमी को सुथरा करने की जरूरत है, अपने दिल के अंदर गुजरने वाले वसवसों को खत्म करने की जरूरत है। मनफी सोचना बंद कर दूं, उल्टी सीधी बातें दिमाग में लाना छोड़ दूं, किसी की टो लगाना छोड़ दूं, किसी के पैसे के ऊपर ऑडिट करना छोड़ दूं, कहां से आया, कितना आया, किसने दिया, तुम कौन हो भाई, मैं और आप जिस दस्तरखान पे आज बैठे हैं उन्हें सैयदुस्साजदीन कहते ही इसलिए हैं। पैगाम लेके जाए मेरे बच्चे और जवान, मेरे मौला को जब मालूम होता था कि अल्लाह ने फलां को नेमत अता की है फौरन सजदे में सर रख देते थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे कि अल्लाह तूने फलां मोमिन को, फलां मुस्लिम को, फलां मेरे अजीज को नेमत अता की है। उसे पता भी नहीं होता था कि इमाम ने उसकी तरफ से अल्लाह का सजदा अदा कर दिया है। लोगों को दो चीजें ज्यादा नजर आती हैं, एक अपनी अकल, एक दूसरे का पैसा। इनसे ज्यादा कोई समझदार नहीं है और उनके पास पैसा बहुत है, तुम्हें क्या पता कि कहां कहां के मकरूज हैं वो, और तुम्हें जरूरत क्या आ रही है उनके पर गौर करने की, तुम फालतू हो। अपना मन साफ करो, तय करो आज इमाम सज्जाद की मजलिस में, मैं बच्चों और जवानों से बात कर रहा हूं, बुजुर्ग मुझसे खफा ना हो कि मैं उन्हें कुछ समझा रहा हूं, तय करें आज मेरे जवान, मेरे बच्चे, मेरे कमसिन साथी कि हमें अपना मन सबसे साफ करना है। फला रिश्तेदार से 6 महीने हो गए सलाम दुआ बंद है, इमाम सज्जाद को आज राजी करो, उसे टेलीफोन करके उससे राबता करके इमाम सज्जाद को राजी करो। मैं इमाम सज्जाद की मजलिस से आ रहा हूं, मेंबर से पैगाम यह दिया गया था कि रिश्तेदारों से ताल्लुकात को तोड़ो नहीं, तुम्हारा वो किरदार रहे मगर मेरा किरदार यह है कि मैं तुमसे ताल्लुकात को अच्छा करना चाहता हूं। 3 दिन से ज्यादा मोमिन एक दूसरे से बात करने से गुरेज ना करे, बात करने से गुरेज ना करे, नहीं इससे ज्यादा नहीं, सलाम दुआ राबता। अजीजाने गिरामी, अपना मन साफ करने की जरूरत है, अपने आप को सच्चा करने की जरूरत है। कौल नमा आए दो कम बेवाहिदा, मैं एक नसीहत तुम्हें करता हूं, अल्लाह कह रहा है कुरान में, आयात तो 6000 से ज्यादा है मगर नसीहत सिर्फ एक दफा ही की है उसने, इतनी आयात में उसने नसीहतें बहुत की हैं मगर उन्हें नसीहत नहीं कहा, सिर्फ एक नसीहत तुम्हें करता हूं, अंतकूम लिल्लाह, अल्लाह की खातिर जिंदगी गुजारो, मसना व फुरादा, मिलकर या तनहा रहकर, मेरा हर कदम मुझे जवाब देने के लिए हो कि ये अल्लाह की खातिर उठ रहा है या नहीं। बहुत सारी चीजें अपने घर में सजाने की होती हैं, अच्छे मनाजिर आप तोखरे बनाकर लगाते हैं, कुरान की इस आयत को भी खुशखती में लिखवाइए, बड़े फ्रेम में उसे अच्छे फ्रेम में करके अपने घर में लगाइए। सूरह तकवीर की आयत है, फायना तदहबून, कहां जा रहे हो, पूरी आयत है ये, कहां जा रहे हो, सूरह तकवीर की आयत, कहां जा रहे हो, इसे बड़ा बड़ा करवा के अपने घर में लगाइए, आते जाते आयत हमसे कहेगी कहां जा रहे हो, अगर जाने का जवाब है तो जाओ वरना कहां जा रहे हो, तुम्हारे पास जवाब ही नहीं है जाने का, क्यों जा रहे हो, कहां जा रहे हो। अलबत्ता घरों में लगाने से पहले इमाम बारगाहों में के जहां मस्जिद बराबर में है वहां इस आयत को लगाने की ज्यादा जरूरत है, इसलिए कि फातिहा के लिए जब घर जा रहे होते हैं और मुअज्जिन अजान कह रहा होता है तो कुरान पुकार के कह रहा है कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, खाना खाने जा रहे हो, ये जवाब दोगे अल्लाह को कि खाना खाने जा रहे हैं। मुअज्जिन पुकार कर कह रहा है हय्या अलस्सलाह, मस्जिद खाली हो रही है। कल मेरे दोस्त कह रहे थे कि शायद मैं किसी से खफा हूं, मैं किसी से खफा नहीं हूं, मैं अपने आप से खफा हूं, मेरे सीने में आग लगी हुई है,
पेवाड़ की पहाड़ी से लेकर कराची के साहिल तक अपनी कौम के मसाइल को देख रहा हूं। हम किन उलझनों का शिकार हैं और किन मसाइल की वजह से तशय्यो की तस्वीर बिगाड़ने का सबब बाज लोग बन रहे हैं। मैं तशय्यो की तस्वीर को बिगाड़ूंगा तो मुझे कहां कहां जवाब देना होगा। खुदा के लिए अपने किसी अमल से मकतब को मुझे शर्मिंदा नहीं करना। लोग देख रहे होते हैं कि शियों के मस्जिद से अजान हो रही है और ये मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं। कहां जा रहे हैं जी? फातिहा की रस्म में जा रहे हैं। अरे भाई, बड़े बूढ़ों ने हिंदुस्तानी खानदान में ये मुश्किल है। मैं भी उसी खानदान से हूं। शायद पहले वो मगरिब से पहले फातिहा इसलिए रखी जाती थी कि भाई लालटेनों का दौर था, चरागों का दौर था जी, अंधेरा हो जाएगा, ये गांव कैसे लौटेंगे। तो दिन दिन चढ़े और दिन उतरने से पहले फातिहा की रस्म कर लो ताकि लोग अपने घरों को चले जाएं। ये कोई कुरान में आया है, किसी हदीस में आया है कि मगरिब से पहले ही फातिहा होगी? मैं मजलिस में बैठी हुई खवातीन से कहूंगा कि अल्लाह ने आपको मर्दों से ज्यादा दीन का जज्बा अता किया है। यह मसला भी आपकी वजह से है। अगर आप अपने मर्दों को कह देना कि फातिहा नमाज के बाद होगी तो मर्दों में जुर्रत रही है। खुदा के लिए मैं खवातीन से मुखातिब हूं, मेरे सीधे हाथ की तरफ ज्यादा बैठी हुई हैं जी, कि आप जरा यह रस्म तब्दील करवाइए अपने घरों में। हमारे यहां की फातिहाएं नमाज जमात से टकरा रही हैं। अगर कोई जमात नहीं भी पढ़ रहा, भाई देखिए, अगर कोई रोजा नहीं रख रहा तो उसे यह इजाजत नहीं है कि वो चौक पे खड़े होकर बबल खाए। उस लड़के को यह इजाजत नहीं है कि वो चौक पे खड़े होकर कोई टॉफी खाए। तुमने रोजा नहीं रखा तो तुम चौक पे खड़े होकर टॉफी क्यों खा रहे हो? तुम रोजा न रखने का तो सवाब अजाब तुम्हारा तुम जानो, तुम्हारा अल्लाह जाने। ये बेहुरमती करने का जो तुम्हें गुनाह मिलेगा। मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, मैं नमाज जमात से नहीं पढ़ना चाहता, मैं मौलाना के पीछे नहीं पढ़ना चाहता, तो कम से कम नमाज की तौहीन तो ना करूं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुलूस खालिसाना अंदाज से मुझे अपने दिल को साफ करना है, अपने मन को साफ करना है। छोड़ दें लोगों की बातें, कैसे चलते हैं ये, कैसे चल रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं, तबसरे बातें फजूलियात, गुनाह अलहदा, गीबत अलहदा, तोहमत अलहदा, वक्त का ज़ियान अलहदा, सवाब एक रकत का भी नहीं, और गुनाह जो है वो मुसलसल अपने आप को सच्चा करने की जरूरत है।